सतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधव नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्री श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारणकर शिशि भक्ति भक्त विघ्न विनाशक भगवान नृसिंहदेव एवं प्रहलाद महाराज करुणारु आम एटी श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध से प्रहलाद चरित्र आलोचना करुचे काली प्रथम दिन आम शुणुले प्रश्न पचारे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को समं प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम ईश्वरम हरे कृष्ण जे भगवान हरि जे कि विष्णु से समह प्रिय सुहृद समस्त जीवंकर मंगलाकांक्षी बंधु सुहृद समस्त प्रति समान एवं समस्त प्रिय आत्मा हिसाब से समस्त प्रिय किंतु देवता मान को पक्षपात करी कौन पाई से असुर मान को बध करुछंती एथिला प्रश्न परीक्षित महाराज एवं परीक्षित महाराज प्रश्न जे कि उत्तर दे कहिले सुखदेव गोस्वामी कहिले हे राजन वास्तव में भगवान कह पक्षपात करूना ये केवल गुणर गुण प्रभाव गुण गुण जो विचलित हो सत्य रज तम गुण प्रति समय प्रति मुहूर्त से स्थिर ही रहने अस्थिरता हेतु जो समय जो गुण प्राबल्यता आसुची से गुण से समय भगवान से शक्ति को से शक्ति को से भगवान साहय कर बेले बेले देवता मानकर जयलाभ कर देवता माने बेले बेले असुर माने तम गुण जो मैंने रोचान जक्ष रक्षांशी से मानकर वृद्धि होती शक्ति वृद्धि होती वास्तव में भगवान किसी करूना से कह गोटे उदाहरण दे कि जदि भगवान देवता मान को साहय कर इतिहास से कहते आम शुणुले राजस्व यज्ञ जो भगवान से उपस्थित अच्छा नारद मुनि उपस्थित अच्छा 20,000 राजा बस युधिष्ठिर महाराज गोटे अद्भुत घटना देखिले जे कि शिशुपाल शरीर शिशुपाल जो भगवान को निंदा कले भगवान चक्र हत्या कले शिशुपाल हृदय गोटे ज्योति आसला जे कि भगवान शरीर मिशिगले ये घटना देखी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कले बड़े मान सन्देह आसला कि भगवान जे कि जो साजुज्य मुक्ति समस्त लाभ करी पारंते नहीं दुरावग्रह धा मानी भक्त माने आध्यात्मिक जीवन अग्रगति करिया निमित्त जो आध्यात्मिकवादी से माने बहु परिश्रम बहु तपस्या बहु निष्ठार सहित तपस्या करी सुद्धा जो गति लाभ करी पारु नहंती शिशुपाल केवल निंदा करी चलचे भगवान को सब समय कलभासनाथ पार्टी खोल बेल निंदा करी चलचे भगवान को सी कि भाव दृष्टं महाद्भुत महाद्भुतं राजा राजस्य महाकृत वासुदेव भगवती साजुज्यं चेरी बो भुज जे शिशुपाल भगवान को निंदा करी कि भाव से उत्तम गति कहले मुक्ति लाभ कले
से बेणंकर उदाहरण दे दौंट दे कौन बेण समय समय भगवान को निंदा करे किंतु शिशुपाल अनवरत निंदा करती से कहे सी कि भाव साजुज्य मुक्ति लाभ कले से मोर बुद्धि स्थिर होनी मत कहतु दीपार्ची एव वायुना जमती वायु चलाचल स्थान जमी दीपर शिक्षा जमी विचलित हुए से मोर बुद्धि विचलित हो मन भर मोर सन्देह आसुची जे कि संभव तेनाली जाना दरकार सप्तम स्कंद संपूर्ण सप्तम स्कंद केवल राजस्व यज्ञ नारद मुनि एवं युधिष्ठिर महाराज के मध्य कथोपकथन संपूर्ण सप्तम स्कंद भागवत एतन् भामति मे बुद्धि दीपार्चिरिव वायुना ब्रूहेत ददाद्भुतं तमं भगवान अस्त कारणं कहले हे भगवान यार कारण मत तुम्हें कह जे कि युधिष्ठिर महाराज पचारे कहीं एत सब सब सर्वसमय निंदा कर सुधा के शिशुपाल साजुज्य मुक्ति पाइले जो कथा कहले से समय नारद मुनि उत्तर कौन हे राजन ए निंदा ए स्तुति ए सुख दुख सब देही लोक मानी जो मैंने त्रिगुण भितर से मानी भगवान को यह सब प्रजोज्य नुह भगवान को कहीं निंदा करें कि भगवान को कहीं प्रशंसा कले भगवान खुशी हमें एक कहला से कहले देखु कतोटी कथा कहले किंतु कहले जथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्त तन्मयातयम न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति एक आम शुणुले कल टे पुनरावृत्ति करुचे जे कि भगवान किसी नाही कि निंदा स्तुति किसी प्रभावित हबार ना कि कौन सी निंदा स्तुति प्रभावित हबार नहीं कि जीव सहित किसी करार ना तो से कौन जे कि आमे जो निंदन स्तव सत्कार नकारार्थ कले वरं प्रदान परियोराजन अविवेकिन कल्पिता ये कहला कह भगवान सहित तो शिशुपाल जो वैरानुबंध कहले निर्बंध कर भगवान को निंदा करिया निमित्त सब समय निंदा कर एथर कौन हो निंदा करिया द्वारा भगवान सहित तो द्वेष करिया द्वारा शत्रुता आचरण करिया द्वारा मर्त्यस्तन मयता मियात सहजरे आम कल शुणुले जड़े शत्रुता आचरण कर द्वेष आचरण करने द्वारा भगवान को जमती निष्ठा निरवच्छिन्न चिंता कर पार भक्ति जगे सेमती चिंता कर पार जड़े भगवान को भक्ति करवा कर चिंता करें सहित गोटे लोकर भल संपर्क अच्छे से लोक विषय आप भावना शत्रुता हेल्ले अनवरत भावे कि भाव से गोटे उदाहरण दे किट पेशस् को द्रोध को डीआयां तमनुस्मरण कीट कथा उदाहरण दे भर जो कीट को रखुच्छे से कीट भय भय जो ज्ञान भयर चिंता करुच्छे से भर को चिंता कर भय द्वेषे चिंता कर रूप बिंदते तत्स्वरूपतम से भगवान से भ्रमर स्वरूपटा लाभ करुच्छे तात्पर्य जो भगवान भगवद्गीतार श्लोक कहले मनमाना भवमद भक्त बारंबार केतेटा कथ मनमाना मत चिंता कर भगवान को चिंता कर चिंता करने द्वारा ये शरीर जो जड़ शरीर अच्छी जड़ शरीर मध्य चिन्मयतार परिणत हो पार केवल भगवान चिंता करें जो भजन करुचे विभिन्न साधन करुचे सेवा करुचे श्रवण करुचे कौन पाई करुचे चिंता किभली हम श्रवण कीर्तन करने द्वारा प्रचुर करने द्वारा स्वाभाविक भाव मननटा हो जाए एवं जो साधारण देखे सांसारिक जीवन में कौ कथा बेस चिंता आसे ना जिते अधिक संसार भितर कहुचे शुणुचे कहुचे शुणुचे से ऑटोमेटिक जो कहते बिना प्रचेष्टार चिंता आसी संसार कथा चिंता आसुची श्रवण कीर्तन प्रचुर कले सिदैत दास सदा कर आस कर उच्चस्वरे हरिनाम राम कीर्तन प्रभाव स्मरण हे कीर्तनटा जिते अधिक हम श्रवण जिते अधिक हम चिंता स्वतः हो जाए चिंतापी स्वतंत्र प्रचेषा कराए ना भगवान चिंता कर खाली श्रवण कीर्तन प्रचुर हेले चिंता आसीज स्मरण आसीज जिते जन भगवान कथा निरवच्छिन्न भाव चिंता करत से जीवर तन्मयता प्राप्त हो चिन्मय भावटा प्राप्त हे आम शेष भी से आई वैकुंठ जावा पूर्व भगवान कथा चिंता करीवर
चिन्मय सर चिन्मयता प्राप्त हे वैकुंठ को जीव यही सारापर से कहते एवं कृष्ण भगवते माया मनुजैश्वरे वैरेण पूत पापमान स्तमाओरनुचिंतया स्तमापुरनुचिंतया कहले हे युधिष्ठिर एवं कृष्ण भगवती कृष्ण भगवती ठार भगवान ठार माया मनुज ईश्वरे जो भगवान तर स्वमायार सब स्वमाया कहले चित शक्ति जोगमाया जोगमाया शक्ति शक्ति सब था से भगवान को निरंतर चिंता करने द्वारा समस्त पाप ध्वंस हो पार जो पाप अच्छी पाप राशि केवल भगवत चिंता द्वारा ध्वंस हे स्तमा अनुचिंतया संपूर्ण पाप पूर्व पाप सब ध्वंस हे सहित वर्तमान पाप जा आउ पाप कर अवकाश रही कहीं भगवत चिंता निरंतर हो द्वारा समस्त पाप ध्वंस हे स्वभाव परिवर्तन होमती कह जा गोटे अग्नि को गोटे लोक हाथ मारिक तो लिभ हो अग्नि को बहुत बड़ प्रज्वलित हो अग्नि तो हाथ लिभ हो बाड़ अग्नि को रागिकी करू क्रोधर करू कि स्नेह कर अग्नि के आउसी दौ हाथ पड़ वस्तुर गुण यहाँ अग्नि जल्च गोटे छोट पिला गला काठ खंडे पकईदेला कि छोट पिला हाथ मारिदेला से भावे जे छोट पिला अच्छे हाथ मारिदेला छाड़ीदे वयस्क लोक जन अग्नि विषय ज्ञान अच्छे इलेक्ट्रिक करेन्ट अच्छी आप इलेक्ट्रिक विषय किसी ज्ञान नहीं आप हाथ लगे जमी इलेक्ट्रिक सक लगे गोटे बड़ एक्सपर्ट इलेक्ट्रीसीयन मारे ताकि भी सक लगे से वस्तु धर्म देख भगवान जो सहित जो मैंने युक्त हे कि भाव में युक्त हूँ सेमती किसी नहीं स्नेह सहित हूँ क्रोधे हूँ द्वेष हूँ भलपाई हूँ काम हूँ सहित जो मैंने युक्त हे से शुद्ध हे कल शुणुले से षष्ठ स्कंद कहते सांकेत्य पारिहासं स्तोभम एव हल हेल नमे बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागं हरंग विदु षष्ठ स्कंद भागवत में कहले संकेत हो परिहास कहो थटारे कहो जो मैंने हरिंकर कृष्णकर नाम ने से कृष्णकर नाम फल पाइबे शिशुपाल जो चिंता करुले निरवच्छिन्न द्वेष चिंता करुले से किसी क्षति है बर लाभ हो प्रभुपाद जो कृष्ण चेतना संग या जीव किभि भगवान सहित युक्त हे जी जो सेवा कर से श्रवण करवा कर बुक डिस्क्रिप्शन कर बही पाठ पढ़ु देखिए जो जो भक्त सब आखिर कौन ना कौन से प्रकार भगवान सहित युक्त होकर आसी प्रकार उपाय आए प्रसाद भल किए आस संडे फिस्ट हो चल इकन चल जा फिस्ट संडे हो चल जा फिस्ट खाया भोजी खाया से प्रसाद द्वारा आकर्षित ही भक्त होती बहुत लोग किए फिलोसफी पढ़ी करें बहुत बड़ा फिलोसफी बहुत सुंदर तत्वटा बहुत सुंदर तत्व को ग्रहण कर लोक होती भक्त होती किए डिबी एसोसिएशन देख ला भद्रलोक भक्त मैंने सुंदर कीर्तन कर भगवान का आराधना कर सहित स्वभाव भी भल कथबार्ता भल भक्त मान संग आकर्षित बहुत लोग भक्त होती किए विग्रह सेवा देखे ये सुंदर विग्रह सजाऊंट के सुंदर पूजा करग्रह को बहुत लोग भक्त हो कौन से प्रकार भगवान सहित युक्त हवा दरकार फेस्टिवल हो फिलोसफी हो आप देखिए से बम्बे जड़े अच्छा से प्रभुपाद डिसाइप प्रभुपाद शिष्य जो प्रथम बम्बे आरंभ है मंदिर बहु गंडगोल से जानते प्रभुपाद बहुत लड़ी बंदे से जुहू मंदिर में प्रथम प्रथम विदेशी लोक आसले रही कीर्तन भजन कले एम चलला प्रोग्राम टेम्पल प्रोग्राम चलला सरकार तरफ जन नियुक्ति कराला देख मैंने सी आई डी तक कहते हैं आसे ये कौन करुँच वास्तव में बाहर तो कीर्तन भजन करते कौन कर खाली जानतु मैंने कहार तात्पर्य से कौन कौन हिसाब से भगवान सहित युक्त हवा दरकार सी आसा केवल इनक्वारी कर निमित्त मैं छद्म बेस भितर कौन चल सी इनक्वारी करू करू सी भक्त हो गला से भी अच्छा से भक्त हो गला से निजे कहते से बड़ बड़ प्रीचर मैंने किभली भाव में जड़े भगवान सहित लोप गुण प्रसाद मंदिर से भक्त कौन सी प्रकार जब जड़े युक्त निश्चित से तार कल्याण हो तार आ तार शुद्धता आज जड़े भक्त अच्छा
प्रभुपाद समय से आसती से आसते प्रकृति मंदिर रुहत मंदिर आसी से भक्त प्रभुपाद गोटे सुंदर घंटा थिला विदेशी लोक गोटे घंटा दे बहुत दामिका घंटा से समय से कहले अपेक्षा करते घंटाटा कौट थी चोरी करनी एमती जाएगा प्रभुपाद से जापारे दिने से भक्त को डकैले कहे तुम घंटा दरकार ये घंटाटा नहीं जाए तो से कथा कहला सी आश्चर्य कहे ये कम जान लें घंटा चोरी करने से नेलानी घंटा नेलानी परिवार से भक्त हो गले बहुत दिन दे समस्त जो मैंने आसमें पचार गोटे स्टोरी पचार समस्त गोटे स्पेशल स्टोरी किए भक्त मान द्वारा होती किए को गुरु सहित अनुप्राणित किए बही पढ़ी किए प्रसाद पाई क्या दुख दे दंड दे आमती कौन कर से भगवान से युक्त हो जे न के न प्रकारेण कृष्ण मन निवेश क्या दंड देपर आप भुवनेश्वर देखिए सिक्यूरीटी गार्ड से मंदिर भितर सिक्यूरीटी गार्ड जगी जगी प्रवचन शुणु शुणी सी लास्ट सिक्यूरीटी गार्ड छाड़ी भक्त एमती है सब भगवान द्वारा केमी कौन युक्त हवा दरकार एमती कहले तो द्वेष हो स्नेह हो काम हो प्रेम हो भक्ति हो कौन सर भगवान से युक्त हेले भगवान कहले वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ से लोक महात्मा यदि कहला परे काम द्वेषाद भयात स्नेहात जता भक्ति स्वरे मन आवेश तदगंहित्वा बहवस्तद्गतिंगतः कहले हे नारद कहते समस्त भगवान कृष्ण से बस राजस्व यज्ञ नारद कहते युधिष्ठिर काम द्वेष भय स्नेह भक्ति कौन सी हिसाब से जदि कौन लोक तार मन को भगवान सहित युक्त कर पारे आवेश आवेश कहले संपूर्ण मग्न मग्न हो जाए आप जो सेवा आँ से फूल गुंथ मु क्लास दौर जो जो सेवा आ मजिजे से शुद्ध शुद्ध हम मनटा से लगेदेवे संसारी लोक संसार कार्य पूरा मजि जाइए पूरा ता परिवार पोषण करवा रोजगार करवा पूरा मजि जाइए सेमती जड़े मग्न हो कौन आविष्य तद अघंहित अघंग अघंग कहे पाप संपूर्ण पापुर मुक्त हो मजिया द्वारा ना पापुर मुक्त हो पार आउ बहव तद्गतिंगता हे युधिष्ठिर एकुटिया नुहंती गोटे गोटे लोक नुहंत बहुत लोक से भगवान सहित युक्त ही शुद्ध हो तद्गति कहे भगवत स्वरूप को प्राप्त होते समस्ते ना सब कहीदे गोप्या कामात भयात कंसो देश चैद्यादय नृपा समन्धात वृष्णेह स्नेहात जुयं भक्त्या वयं विभो गोटी गोटी कहीदे ये पांच प्रकार भगवान सहित जड़े युक्त हो पार कहे गोप्या कामात काम काम कहले पुरुष स्त्री आकर्षण जो अच्छे सब गोपी मैंने काम द्वारा आकर्षित नुहत किसी गोपी अच्छा गोटे सुंदर पुरुष देखला मैंने गोटे सुंदर स्त्री गोटे आकर्षण आसो ये पुरुष को भोग करने से भगवान कृष्ण प्रति भोग मनोवृत्ति नहीं कत गोपी थे जिते से सहित भोग कर सहित मिसवा आरंभ कले भगवान सहित से समय तर से कामटा प्रेम परिवर्तन हो गला से गोपी मान महाप्रभु कही ना आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गीना वर्गेण जा कल्पिता जो मैंने जिते प्रकार आराधना जगत कर सबुठ बड़ आराधना गोपी मैंने किमी आराधना कर सब सब निरंतर चिंता भगवान मानने कौन हिसाब से कहार उद्देश्य हूँ जे तस्मात केनापि उपायन कृष्ण मन निवेश कौन सार भगवान ठार कृष्ण ठार मनटा लगे दरकार यहीटा करवा दरकार जोबले जाऊँच भगवान कृष्ण अच्छा गोपी मान गोपी ये कहना सब समय गोपी मैंने खाली बाहाना खोजु था कि कृष्ण सहित साक्षात कर थोड़े गोटे ग्लांस आने देखापी केवल ये सब समय चिंता कर भगवान भगवत चिंता अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चते जड़ उदीक्षताम पद्मकृद्दृशाम गोति माने भगवान कर स्वरूप को चिंता करते भगवान जो जाऊ्य को जाऊँच मर्माहत हो जाऊँगी सब चौबीस घंटा चिंता भगवान का प्रतिक्षण चिंता एमती चिंता करें प्रभुपाद जो संस्था कर
भगवान सहित लागी रहा सहित निरंतर चिंता करने व्यवस्थाटा कर जो आम मंदिर प्रोग्राम रही गृहस्थ भक्त हूँ सन्यासी हूँ ब्रह्मचारी हूँ समस्त भगवत चिंता केमती आसो मनरे न आसू आज फिजिकाल लेवल जब शारीरिक मानते शारीरिक सेवा द्वारा तो धीरे धीरे भगवान प्रति आसवना आकर्षण आसवना चिंताटा आसव मुझे कृष्णपाई कर झाड़ू गुरा कर रोसे कर धारणा किसी समय आसूँ किसी ना आटलिस्ट दु घंटा जप करे कि मानने ठाकुर आरती करुचे जहाँ करुचे किसी समय चिंता आसुचे यहाँ दिन निरवच्छिन्न हो चौबीस घंटा होती कह गोप्या कामात काम द्वारा गोपी मैने भयात कंस कंस भय कर मृत्यु आसीज जान लाजे कृष्ण मत हत्या कर गोकू में कृष्ण अच्छा कृष्ण जो बड़े सब समय भय कर कृष्ण केत मत मारे आम शुणी जन्माष्टमी समय से कहते बस आसीन संबिशन तिष्टन भुंजान पर्यटन महिम चिंतन हृषिकेश अपश्यंग तन्मय जगत सब समय तन्मय होकर रोला एत भय लगुला सब मनरे कृष्ण केत मत हत्या करेंगे आपको तन्मयता कह जाए आसीन बसला बेले संबिशन जे विश्राम ना समय तिष्ठन बसी समय भुंजान खाइवा समय पर्यटन जीवासवा कर समय सब समय भय थी मत भगवान मारदे अरे कबाट दिहला ना नहीं मैंने सब खाऊ बंद कल ना द्वार बंद कला ना मार महाराज बढ़े कर द्वारा बंद कला ना कृष्ण के आसीज सब चिंता करी 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 सी कौन ये गोटे प्रकार भगवत सहित भगवान सहित युक्त हार उपाय दैश्य द्वेष चैद्या दय अनुरूप चैद्यादय अनुरूप कहे चेदी राजा होंगे शिशुपाल सहित अनेक राजा मैंने थे जो मैंने भगवान को द्वेष करुले शिशुपाल जो मैंने संगी मैंने भगवान सहित युक्त होते कह समन्नाद वृष्णय वृष्ण वृष्णवंशर लोक मैंने जो मैंने वृष्णी जादव कुकुर अंधक ये सब जो द्वारकर रही है समस्ते समन्धा भगवान कहार पुत्र हे कह मौजा हे एम ये प्रकार संबंध सब संबंध संबंधात वृष्णय तापर कहते स्नेहात जोयंग हे राजन परीक्षी युधिष्ठिर तुम्हें मैंने समस्ते भगवान सहित केमी युक्त होना स्नेह जगो कहते युधिष्ठिर महाराज सब समय भगवान कृष्ण को सान भाई रूप से सब तर केवल सुरक्षा जो तो भगवान जाऊँ द्वारका जाऊँगी युद्ध सरलापर एक ऐक्षणी सैन्य पठाऊँ कि किसी अनिष्ट न हो कि आक्रमण न कर अर्जुन सात्यकी सुरक्षा देवाई जा स्नेह जो भक्ति आवयम कहले परीक्षा युधिष्ठिर आम नारद कौन आमे माने भक्ति भक्त माने वयम आम मैंने भक्ति भगवान को आराधना करुच्छे भक्ति कहले श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति आम आराधना करुच्छे शेषे सार कथा कहीदे कहले राजन कथमो कतमो पिनवेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् सार कथा होची तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् कौनसी उपाय जमती हो तुम काम द्वारा हो काम हो देश हो भय हो संबंध हो केमित प्रकार हो तुम्हें भगवान सहित तो मनटा लगा आ तुम जो बेण कथा कहते कहले कतमो भी ना बेण सात बेण कहीं तार दुर्गति है यार कारण हूँ से पांचटा संबंध रू कौन संबंध से संबंधित नाला कहला काम भय द्वेष संबंध स्नेह भक्ति जो छटा अच्छी गोटे काटिदेले कहीं काम गोटे पुरुष आ गए पुरुष सहित काम संपर्क कौन आसो कि बेण पुरुष भगवान पुरुष तेना काम संपर्क आ रही भय द्वेष संबंध स्नेह भक्ति ये पांचटी संबंध जो भगवान सहित संबंधित होते बेणर कौन गोटे संबंध नाला से भगवान को निंदा करने द्वारा कौन है ना तार निंदार फल से दुर्गत बेण तमसी पाती तो नरकू जाऊला से ये कहला कहले तुम्हें जो तुम भाई को देखुच शिशुपाल तुम मौसी पुव कह मातु से वैश्चद्य दंतवक्रश्च पांडव पार्षद प्रबरो विष्णु विप्रसापात पदच्युत यूठ आरंभ कले आम ये कथा को रखी थे से कहले कहले हे युधिष्ठिर मातृ स्वेश वैश्चद्य बस चैद्य जो चैद्य दंतवक्र शिशुपाल ये तुम्हें भावुच तुम माँ भौणीर पुओ माने मौसी पुओ बोली किंतु वास्तव में तो मौसी पुओ नुहंती पार्षद प्रबर एम पार्षद प्रबर कहार विष्णुकर पार्षद प्रबर
ए वैकुंठ लोक एम अभिशाप पाइक एठिक आसाप विप्रसापात ब्राह्मण अभिशापुर से ये पतन हो पदच्युत पद कहले वैकुंठात वैकुंठात च्युत वैकुंठ आते कहले हे राजन सब कथ कही सारे आम शुणिले प्रथम अध्याय कहले कहले जे केवल केनापि उपायन कृष्णे मन निवेश कौन से उपाय प्रकार संबंध से संबंधित होकर आम भगवान सहित मन को लगे दरकार आमर कहीं मन लगुन ना कौन से संबंध में आम ना ना स्नेह अच्छे ना देश देश ही कर पारे भगवान कौन देश कर गोटे लोक सीना देखिले कि झगड़ा दिए देश करेंगे भगवान को आम देखुने तेना द्वेष ना क्रोध भी ना स्नेह ना अलग किसी ना भक्ति चेष्टा करुचे से मनटा कृष्ण ठार लगे हो आमर केवल गोटे मार्ग हूँ ये भक्ति मार्ग स्नेह प्रेम सब पचर आस भक्ति मार्ग गोटे मात्र मार्ग आमपाई दिखाई वैष्णव साधु मान जहाँ आरंभ कले जो ये हिरण्यकश्यप प्रह्लाद चरित्र आस मातृशेष हो वैश्चर्य दंतवक्रश्य पांडव हे पांडव हे युधिष्ठिर तुम्हें जो देखु तुम मौसी पी बोली कहो दंतवक्र शिशुपाल से नुहत पार्षद प्रबर विष्णुर विप्रसापात पदाच्युत एम विप्रसापुर के ब्राह्मण अभिशापुर से ये जगत को आए विष्णुलोक वैकुंठ आते कथा कहले वैकुंठ वैकुंठ पतन हो समय युधिष्ठिर महाराज आहरी कौतूहल बढ़ला अरे वैकुंठ के पतन हे आम शुणुचे जदगत्वान निवर्तन तद्धाम परम ममता आम भजन करा कौन दरकार जी क्या स्वर्ग को गले ब्रह्मलोक गले मत पतन हे जी वैकुंठ पतन हे तो एत कष्ट भजन कर भक्ति करा सेवा करा कौन आवश्यक से कथा कहते कि वैकुंठ कहार पतन हुए किमितिया कि प्रकार अभिशाप जे कि वैकुंठवासी मान पतन करदृश कश्यप हरिदास विमर्शन अश्रद्धे हईवा भाति हरे रही हरे रे कांति नांग भव कहले किदृश कश्यवा साप कि प्रकार साप साप कहले अभिशाप आ किए दे अभिशाप ये जो जो अभिशाप जहाँकि वैकुंठवासी मानक पतन करी किए से अभिशाप दे कि प्रकार अभिशाप हरिदास विमर्शन हरिदास कहले जो मैंने वैकुंठवासी मानक हरिंकर दास कह जाए से प्रभाव पक से अभिशाप कि प्रकार से जदि अभिशापटा यही जगत कार्य करें जो कर्मफल बंधा से कहार अभिशाप कह आशीर्वाद यही जगत कार्य कर वैकुंठवासी को कई अभिशाप दे पारे आशीर्वाद कहीं पारे अश्रद्धे वाह भाती मत कहीं श्रद्धा मोर मैंने यू मैंने ग्रहण करदयटा ग्रहण कर पार नहीं मोर सन्देह जहात हो मोर एथे आसुनी श्रद्धा आसुनी आप कहे समस्ते बस मुनिषि मैंने अच्छा राजा मैंने आता युधिष्ठिर महाराज कहते नारद मुनि कहते आपत कहते कि मत श्रद्धा लगे ठीक लगुन मत अश्रद्धेह इवा भाती हरेरे कांतिनांग हरेरे एकांतिनांग बाबा हरिंकर जे एकांतिक भक्त वैकुंठ रोचे वैकुंठवासी से मानक कि आसब अभिशाप आसब अभिशाप दे पारे कहीं त्रिगुण भितर से नहांती वैकुंठवासी जो मैंने सब भूत प्रकृतिर बहुर्धर शुद्ध सत्व स्थित अच्छा से मानकर के पतन हुए नहीं से मानक अभिशाप दे पारे आशीर्वाद दे पारे ये गोटे कथा कहते मैं शुणी गीतार कहते जदगत्वान निवर्तन तद्धाम परम मम भगवान गीतार पंचम अध्याय पंचदश अध्याय आउ थे कहले ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः थरे जो मैंने वैकुंठ को चलीगले आम बद्धजीव अच्छे जदि आम मुक्त हो जाए मुक्त जीव हो जा थरे वैकुंठ गले आउ से पतन हबनि न भूय जस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः थरे से वैकुंठवासी हो गले आउ एठके भूय परिवर्तन पुनर्बार आउ आसिबनि भगवान गीतारे बारंबार कहले जे कि मामुपित्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नापनुबंते महात्मन संसिद्धि परमांगता एक कथा गीतार बारंबार कहते जे कि थरे वैकुंठधाम प्राप्त हेले आउ तार पतन हबनि कि जगत को आसवन
ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କାହିଁ ପତନ ହେଲା? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନିକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେହେ ଦେହେ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟାସୁ ହୋଇ ନାନାଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବାସିନାଂ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବଦ୍ଧ ମେତଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତୁମର୍ହସି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟାସୁ ହି ନାନାଂ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଶରୀର, ଏତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଏତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ସେତେ ତିଆରି ହେଇନି, ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର, ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରବାସୀ ନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶରୀର ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରୁପ୍ୟ ସାଲୁକ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଶରୀର ମିଳିବ, ଏ ଶରୀର ଆମର ନିତ୍ୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଜି 50 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ କା 40 ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶରୀର ରହିବନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିବ, ସେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି, ଏମିତିଆ ଶରୀର ମିଳିବ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ କହୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ ଶରୀରରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବଦ୍ଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ସେମାନେ କିଭଳି ପାଇଲେ? ପୁଣି ଜଡ଼ ଶରୀର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ ଦେହବତାମ ତୁ ଆବିର୍ଭାବ ତିରଭାବ ନ ତୁ ଜନ୍ମମୃତି ଆଦି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ ଶରୀର, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ତିରଭାବ କି ଜନ୍ମ ଆଦି ଆବିର୍ଭାବ ତିରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ୟଗୁଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ସତ୍ୟଗୁଣ ଅଛି, ଏ ସତ୍ୟଟା ଗୁଣ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସତ୍ୟ, ମିଶ୍ର ସତ୍ୟ କହିଲେ ସତ୍ୟଟା ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇକରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ, ଯେ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଗୁଣରେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଠି କୌଣସି ସମୟରେ ସତ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ରହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ ଦେହବତାମ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଆବିର୍ଭାବ ତିରଭାବ ନ ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଜୟ ବିଜୟ, ତାଙ୍କର ପତନ କିଭଳି ହେଲା? ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ସ୍ୱର ପାଇଲେ? ଏ ତଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମର ହସି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର। ମନେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀମାନଙ୍କର ଜଡ଼ସ୍ୱର କେମିତି ପାଇବେ ସେ, ଏ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମର ହସି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କରିବାର ଅଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର କଥା ଯେ କି ଜୟ ବିଜୟ କାହିଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ନା, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଉବାଚ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ? ଏକଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଲୋକଂ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ସନନ୍ଦାନାଦୟୋ ଜଗ୍ମୁଶ୍ଚରନ୍ତୋ ଭୁବନତ୍ରୟମ୍। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଉବାଚ, ନାରଦ କହିଲେ ଏକଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଲୋକଂ ଯଦୃଚ୍ଛୟା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ସନନ୍ଦାନାଦୟ, ଯେଉଁ ଚାରି କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ସନନ୍ଦ ସନକ ସନାତନ ସନାତନ ସନତ କୁମାର, ଏ ଚାରିଜଣ ସେମାନେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦୃଚ୍ଛୟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ଅନେକ ଯଶିତ ଦେବଳ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୃଚ୍ଛୟ, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା,
ଆଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ ନା, ଆଉ 9:10 ବାଜିଲା ଘରକୁ ଯିବା ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆମର। ଆପଣ ଯିବେ, ମନେକର ବମ୍ବେ ଯିବେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କର, ସେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କର, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଯାଅ, ମାସ୍କ ନେଇକି ଯାଅ, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, କେତେ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ରହିଛେ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ନୁହଁ। ଦେଖୁନା ଏବେ ଗଲେ ଆମ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବନ୍ଧନଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ନାଇଁକି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଟିକା ନେଇ ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ସେ କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଘୂରିବ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଅତିବେଶରେ ଆମେ ଗଲେ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ଉପରୁ ଯାଇପାରିବାନି। ମାନେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ କହିଲି ମାନେ 4 କୁମାର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାରଦ, ଏମାନେ ସବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସର୍ବତ୍ର ଘୂରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ କହନ୍ତି। କୁମାନେ ସନନ୍ଦାନ ଆଦୟ ଜଗ୍ମୁ ଚରନ୍ତ ଭୁବନତ୍ରୟ, ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସର୍ବତ୍ର ଯିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସର୍ବତ୍ର ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତିଆ ସେମାନେ, ପଞ୍ଚଷଡ୍ଡାୟ ନାର ଭାବା ପୂର୍ବେ ସାମପି ପୂର୍ବ ଯାହା ଦିଗ୍ବାସ ସହ ଶିଶୁନ୍ମତ୍ୱା ଦ୍ୱାସ୍ଥୌତାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟସେଧତା। କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାଷଣ୍ଢାୟ ନାର ଭାବା, ବୟସ ତାଙ୍କର କେତେ, ବୟସ 5-6 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ସେ 4 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୁମାର ସନନ୍ତ କୁମାର ଆଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 5-6 ବର୍ଷର ପିଲା ପରି। ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆକାର, ଶରୀରର ଆକାର ହେଉଛି 5-6 ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଶରୀରଟାକୁ ଆକାର କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଆସିଲେ ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ବୃଦ୍ଧି କର, ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କର, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ସେମାନେ ମନା କଲେ, କାହିଁକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏତସ ଥିଲେ, ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧ ଭାଗ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏତସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଶରୀରକୁ କାହିଁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଆକାର ଛୋଟ ଆକାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଶରୀର ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଯୌବନ ଆସିଲା ମାନେ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ପୁରୁଷପ୍ରତି, ପୁରୁଷପ୍ରତି ପୁରୁଷ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କପିଳ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ନା ତଥା ସେ ଭବେନ୍ମୋହ ବନ୍ଧାଶ୍ଚାନ ପ୍ରସଙ୍ଗତ ଜୋଶିସଙ୍ଗ ଯଥା ପୁଞ୍ଜ ତଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତ। ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମେ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ 4 କୁମାର ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆକାର, ଶରୀରର ଆକାରଟା 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା ଯେତିକି ଆକାର ସେତିକି ଆକାର ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୌବନ ଆସିବନି ଆଉ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଶରୀରର ଆକାର ହେଉଛି 5-6 ବର୍ଷ। କହିଲେ ପଞ୍ଚଷଡ଼ା ୟନାର ଭାବା, 5-6 ବର୍ଷ ପିଲାର ମୁହଁରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ, କାହିଁକି ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଯୌବନ ଆସିନି, କାମନା ଆସିନି। କାମନା ନ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେ ଯିଏ କାମନାକୁ ସଂଯମ କରିବ ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମନେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ତେଜ ଉଲ୍ଲାସ ଛୋଟ ପିଲାର ଥାଏ। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଷଡ଼ା ୟନାର ଭାବା, ଆଭା କହିଲେ ତେଜ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବେଶାମ ଅପି ପୂର୍ବଜା। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ନା, ମରିଚିଆଦି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ସେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ସେ ଏଇସବୁ ତା ବୟସରେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆକାର ହେଉଛି 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା ପରି। ଏମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇ ବୁଲି 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 ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବାସସ ଶିଶୁନ୍ମତ୍ତ୍ୱା, ଦିଗ୍ବାସସ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଦିଗମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କିଣି, ଏ ଭାବିଦେଲେ ସେ ଶିଶୁନ୍ମତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭାବିକିରି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଏଡ଼େ ତୁମର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସବୁଠି କ'ଣ ଛଡ଼ାଯାଏ, ସେମିତି ତାକୁ ଜଗିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଦିଗ୍ବାସ ଶିଶୁନ୍ମତ୍ତ ତାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟସେଧ ତାମ ନିବାରୟ ନିବାରୟ ତାମ ନିବାରଣ କରିଦେଲେ, ପଳା ପଳା ଘରୁ ପଳା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ,
ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ, ଶିଶୁ ଭାବିଦେବେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ପୂର୍ବେଷାମ ଅପି ପୂର୍ବଜାମ, ଶିବ ମରିଚା ଦୂର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବଡ଼, ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସେ। ଏତିକି କହିଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୃତ୍ରାସୁର ଚରିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କେବଳ ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ସେ କିଛି ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରିବେ, ନାଟକ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କଲୌ ଜନିଷ୍ୟମାନ ଦୁଃଖ ଶୋକ ତମୋନୁଦମ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତାନାମ ସୁପୁଣ୍ୟଂ ବେତନୋର୍ଜସ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ, ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ଶୋକରେ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁପୁଣ୍ୟଂ ବେତନୋର୍ଜସ, ବେତନର ମାନେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଯଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ଆମର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ଲୀଳା ନ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏଇଠି କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଆସି ଓଁ କହିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ନା? ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ସବୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ନା? ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛେ, ପରିବାର କରୁଛେ, ଚାକିରି କରୁଛେ, ରୋଜଗାର ଯାହା କରୁଛେ, ଭଗବାନ ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ। ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ମେ ବାମ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିତତ୍ଵତଃ, ଏଇଟା କହିଦେଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଆରେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିବ କିଭଳି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ଚାରିକୁମାର ବୋଲି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କାହିଁ କଲେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ ନିବାରଣ କରିଦେଲେ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଏମିତି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସପନ୍ କୁପିତା ଏବଂ ଯୁବାଂ ବାସଂ ନଚାରଥ ରଜସ୍ତମୋଭ୍ୟଂ ରହିତେ ପାଦମୂଲେ ମଧୁଦ୍ୱେଷ ପାପିଷ୍ଠମ ଆସୁରିଂ ଜୋନିଂ ବାରିସୋ ଜାତମାଶ୍ୱତଃ। ଅସପନ୍ କୁପିତା, କୁପିତା ମାନେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ଯୁବାଂ ବାସଂ ନଚାରଥ, ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତୁମେ। ସେ ଚାରିଜଣ ରାଗିଗଲେ, ହଠାତ୍ ରାଗିକିରି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ବାହାରିଗଲା। ବୈଷ୍ଣବ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁମର। କାହିଁକି? କହିଲେ ପ୍ରାକୃତ ସାତୁକେ ସାତୁକେତେନ ଏତାଦୃଶ ଦୋଷ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଇତି। ପ୍ରାକୃତ ସାତ୍ୱିକରେ ଏଇ ଦୋଷଟା ଆସିବ, ରଜ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଗୁଣ ଆସିବ, ଏସବୁ ଆସିବ, ଏ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରାକୃତ ସାତ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ମିଶ୍ର ସତ୍ୱ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବୈକୁଣ୍ଠରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ରଜ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ୱ। ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ୱ ମାନେ ସତ୍ୟ ମାନେ ରଜତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଦେଖୁନା, ଆମ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଛି, ରଜଗୁଣ ଆସିଲା ଉଠି ପଳାଇବା, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତମ ଗୁଣ ଆସିଲେ ନିଦା ଆସିଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକର, ସେଇ ରଜଗୁଣ ଆସୁଛି, ତମ ଗୁଣ ଆସୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ୱଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ରଖିପାରୁନା। ଅହୋ ଏତଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ନ ପ୍ରାକୃତ ସମାୟତି କିନ୍ତୁ ପରମଭକ୍ତ ହେତ ଏବ ଇତି ବିଚାର ମୂଢ଼ା ବର୍ତ୍ତ ଏଦାସ ଅତ୍ର ବାସ ନୋଚିତ ଇତି ଭାବ। କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠ କାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ରଜସ୍ତମଭ୍ୟାଂ ରହିତେ ପାଦମୂଲେ ମଧୁଦ୍ୱିଷ, ଏମାନଙ୍କ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଅଛି, ମଧୁଦ୍ୱିଷ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦମୂଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟବନ୍ତ ବାସମେବ ତ ନ ଚାହାରତ, ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ ପର ଆପଣ ଭାବ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭାବ ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି, ଏମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଅସପନ କୁପିତା କ୍ରୋଧ କଲେ, କ୍ରୋଧ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ, ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଦେଲେ? ସେଇ ଏକା ଅଭିଶାପ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ପାପିଷ୍ଠମ ଆସୁରିମ ଜୋନିଂ ବାରିଶୋ ଜାତମ ଆଶ୍ୱତ, ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅସୁର ହେଇଯା, ଏ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ। ପାପିଷ୍ଠମ ଆସୁରିମ ଜୋନିଂ, ତୁମେମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣେ ରହୁଛ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନୁହଁ ତୁମେ, ଏଇ ଜନିକି ଯାଅ, ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଅ। ପାପିଷ୍ଠମ ଆସୁରିମ ଜାତମ ଆସୁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ବାଲିସୋ ଏ ମୂର୍ଖ
जातमाश्रत शीघ्र जाओ अश्रुजोनि पाओ। मुझे शुणुले महत को उपरु विषवासना जाग्रत हुए। प्रथम काली शुणुले महत अनुग्रह जीवर शुभवासना आसे, भगवान प्रति आकर्षण आसे, आ महतर क्रोधर कोपुर आसे विषवासना आसे। जो विषवासन जाग्रत हो भोग करने पर संसार पर आसक्ति आकर्षण जो आसा केवल महतर महत को उपर आते जार अधिक आने महत प्रति अपराध हो आम न जाणी थी पारे। आप देखते कि आम कौन जाने किए शुद्ध भक्त किए अशुद्ध भक्त मैंने किए मध्यम अधिकारी किए कनिष्ठ अधिकारी आम किसी जानपर किसी जापर ना तो निश्चित आम व्यवहार अन्न को आम कष्ट दौचे बहुत कष्ट जिते बड़े वैष्णव चिन्ह जावा से समय तरह मुक्त मुक्ति कहीं पूरा चतुर होते हैं व्यवहार कराए आम वैष्णव देखे कौन देखु ये लोक तिलक मारे इस्कन सीनियर भक्त स्वतंत्र भाव चर्चा कर साधारण लोक हम जाए साधारण कितने से हरि को निरंतर ध्यान कर जड़भर तू कि जानला मुंशीदास बाबाजी कि जानपर से कहे कबे हमें कबे आम वैष्णव चिन्ह हरि एक कहीं व्यक्ति विनोद ठाकुर कहले वैष्णव चिन्ह गले से मुक्ति आम वैष्णव अपराध हेतु संसार आसक्ति आस नहीं वैष्णव अपराध हेतु कहीं आम जानी किए कौ स्थित अच्छे आम केवल तर बाह्य आचरण कपड़ा को देख तार रूप को देखिए व्यवहार कर से संसार समस्त संसार आसक्ति ना जीवर उद्धार पाया सहज उपाय कौन वैष्णव चिन्ह गले वैष्णव चिन्ह से बारंबार से भक्ति विनोद ठाकुर बहु भजन में कौन मत वैष्णव चिन्ह दृष्टिटा दिए मत चिन्ह गले उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी वैष्णवतार अधिकार अनुसार जो व्यवहार करेंगे से अपराध हवार अवकाश रही देखुना से कहीदे जो महत कोप हो गला संसार वासना आसीगला ये बड़े अभिशाप मिलगला कहे आसु जात जात आसु अत शीघ्र जाओ तुम्हें जिते बड़े एक कथा कहले किंतु अभिशाप दे सारापर मन दया आसला जमी पार्वती आसला मत दया आसला मैंने साधुना दया आसीगला तृतीय स्कंद भागवत सब वर्णना कर भगवान आसी कहले चल अभिशाप मिलगला भगवान कृष्ण चली आसे द्वार पाक चली आसे चाले से कहे मोर जेहेतु मुझे तुम प्रभु ये मोर ये मोर सेवक तेणु तक दोष ना मोर दोष कह जेहेतु से वैष्णव कही साधु मैंने तुमको अभिशाप दे तुमको निश्चित ये आश्चर्यजन को जीवा पड़ो किंतु तीन जन्म पाई जी इतना कह एवं सप्तो स्वभावना पतंतौ तो कृपाली प्रोक्तौ पुनर्जनन जन्म भीर्वातृलोकाय यकल्पताम से कहले एवं सप्तौ स्वभवनाथ स्वभवनाथ कहले वैकुंठ रूप पतंतौ पतन हैला तंकर तौ कृपाळु भी कृपाळु भी जब पतन होची तंकु से दौचंती कण तथापि तंकर कृपा आसला करुणा आसला नै तीन जन्म पई जे प्रोक्तौ पुनर्जन्म भीर्वा त्रिभीर लोकाय कल्पताम तीन जन्म पाई जीव पुनर्बार तुम्हें तीन जन्म पर तुम आम अभिशाप न्यूट्रलाइज होमें पुणे पलि आस एमती लोक अभिशाप एक्सपायर डेट भी अच्छी इतनी दिन आरंभ है दिन बस सर एम अभिशाप अच्छे तीन जन्म पर तुम अभिशाप किसी अभिशाप मुक्त हो कि जो जय विद्या पतन होता आद नुहे कि पतन नुहे ना आम जमी कहीं भगवद गीतार तो कंट्राक्ट कर शास्त्र शास्त्र अच्छी जद्गतान निवर्तन तद्धाम मरम परम मम तेज वैकुंठ गले पतन हो तल को आसो पुणी तो भजन साधन करा कौन आवश्यक ना से आसवानी गोटे एक्सेप्शनल केस भगवान चाहते से जातु द्वारा मुझे किसी लीला करी कहीं हिरण्यकशिपु न आसता ये लीला कौट आसता प्रहलाद लीला केमती आसता रावण कुंभकर्ण समस्त ही जन्ने समस्ते तांको लीला में रामायण पाठ करचे महाभारत पाठ करचे भागवत पाठ करचे से माने आसी लीला करचें भगवान तांको पठेले ठीक ना तो एटा पतन नुहे प्रभुपाद लिखुचन महाभारत लिखुचन जे कहार मन भीतर जे प्रश्न थाए जे कि काले टिके गोटे मिनिट ये प्रभुपाल लिखुं जानवा दरकार तत्वटा हूँ लोक मैंने प्रश्न आसीज वैकुंठ तो पतन ना कहीं पतन है यश्न पर दि वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन वुड डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू आंसर बट नारद मुनि बीइंग एन अथॉरिटी
could answer it. Therefore, Maharaj Yudhishthira inquired from him, saying, Etat Vakhyatum Arhasi. Kuta sensor kahidele. Otherwise, it is a fact that no one falls from Vaikuntha. Konosi lokko Vaikuntha patan huye ni? Kevar se koi, this was his eternal, the Lord comes to this material world through the agency of his internal potency. And similarly, when a devotee or associate of the Lord descends to this material world, he does so through the action of the spiritual energy. Any pastimes conducted by the Supreme Personality of Godhead is an arrangement by Yogamaya, not Mahamaya. Therefore, it is to be understood that when Jaya and Vijaya descended to this material world, they came because there was something to be done for the Supreme Personality of Godhead. এটা কেবল ভগবানকর ইচ্ছা হেতু পঠাইছেন এটা পতন নুহে যুদ্ধ করিবে তা সহিত মধ্য কিছু লীলা করিবে যে মহাভারত রামায়ণ সব লেখা যাব সে সেইথিপাই পড়ে সে আসলে রাবণ কোটি আসতে রামায়ণ কেমিতি লেখা হইতা এসব জিনিস গুড়া কুচি কেবল ভগবানকর ইচ্ছা তেমন সে পতন নুহে আম মানুষ শিক্ষা দেওয়া নিমিত্ত এতে কহিলা পরে কে তিন জন্ম রহব তুমি সত্য যুগে রহলে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ যুগে আসলে রাবণ কুম্ভকর্ণ आउ द्वापर जिगरे दंतवक्र शिशुपाल तापर से जन्म हेले पड़िले तलू पड़े दीति आम शुणीचे दीति तो संध्या समय स्वामी को बाध्य कले सहित संपर्क मैथुन संपर्क रखा निमित्त मना कर कश्यप मना कर समय नुहे असुर जन्म हो शिवजी इस समय अनुचर मानक नहीं सर्वत्र विचरण कर शिवजी रागिजे शिवजी मो भाई ब्रह्मा पुत्र शिव ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏସବୁ ମୈଥୁନ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇଟା ବେଦବିହିତ ଅବିହିତ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶିବଜୀ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ଦୀତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇମାନେ ପତନ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ କଥା ଯଜ୍ଞାତେ ତୋ ଦିତେ ପୁତ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ବନ୍ଦିତ हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठा हिरण्याख्योस्नुजस्ततः कहे जज्ञाते तौ दीते दीते कहले दीतिंक पुत्र दीतिंकर पुत्र दैत्य दानव वंदित ये बड़ असुर देत देव दान दैत्य दानव समस्ते वंदना कले माने समस्त से मुख्य हेले हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठ हिरण्यकशिपु हूँ ज्येष्ठ बड़ हिरण्याख्यस तदनुज हिरण्यक हूँ तर अनुज हिरण्यकशिप होती प्रकृति जितेबाला कश्यप मुनि वीर्य प्रदान कले दीति गर्भ में प्रथम कितु हिरण्यक्ष जा हिरण्यक्ष जन्म है ट्विन कहते कौन कौन जमज जाला प्रथम हिरण्यक्ष जन्म होते जन्म है हिरण्यकशिप कि जन्म है आग हिरण्यकशिप आसे आम कहूनी जी आग जन्म है बड़ बोली तो कहते ना से हिरण्यकशिप कहते हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନୁଜସ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହତୋ ହିରଣ୍ୟକଶିପୋର୍ ହରିଣା ସିଂହ ରୂପିଣା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷୋ ଧରାଧରୋ ବିଭ୍ରତ ଶୌକରଂ ବାପୁ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହତୋ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ହରିଣା ସିଂହ ରୂପିଣା ସିଂହ ରୂପ ନରସିଂହ ରୂପ ହେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଧରାଧର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧଟା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକରି ପୁରା ରସା ତଳରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରସା ତଳରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ବିଭ୍ରତ ଶୌକରଂ ବାପୁ ଶୁକର ରୂପ ଧରି ବରହା ରୂପ ଧରି ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଧ କଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ ଧରଣୀ ଧର ବରହାରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଂ କେଶବ ପ୍ରିୟମ୍ जिंघांसुरम करोत नाना जातना मृत हे तबे जिंघासुरम करोत नाना जातना हे तबे हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रह्लादं केशवं प्रियं प्रह्लादं कथा आसला हिरण्यकशिपुर पुत्र प्रह्लाद केशव प्रिय भगवान कृष्ण भगवान केशवंकर प्रिय जिज्ञासु मकरोद नाना जातना मृत्यु हेतवे जो हिरण्यकशिपु निजर पुत्र को हत्या करिवा निमित्त समस्त प्रकार ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ନା ତଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମ ଭୂତଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଂ ସମଦର୍ଶନମ୍ ଭଗବତ ତେଜସା ସ୍ପୃଷ୍ଟଂ ନାଶକ୍ମୃତ ହନ୍ତ ଉଦ୍ୟମେହି ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ
प्राणी हत्या करिया निमित्त तंग सर्वभूतात्म भूत प्रहलाद स्वभाव कहते सर्वभूतात्म भूत समदर्शन समस्त कौन सी जीवन सर्वत्र समदर्शन समस्त को सामान दृष्टि देते प्रशांत प्राकृत क्षेत्र वशवर्ती नुहति आगवत तेजसा स्पृष्ट भगवान कर तेज भगवान कर शक्ति प्रवाहित होती हिरण्यकशिपु नाशक्न थंत मध्यमय जिते प्रकार उद्यम कले सुधा से सफल हो पारे नहीं केवल प्रहलाद जेहेतु भगवान द्वारा सुरक्षित होते शुद्ध भक्त से समदर्शन भक्त प्रशांत आत्मा तापर आसिले ततस्तौ राक्षसौ जात केशिन्यां बसभस्र केशिन्यां विश्रभस्रुत रावण कुंभकर्णस्य सर्वलोक पतापन त्रेता युग को आसीगले ततश्च राक्षसौ जात त्रेता युग में दुई जन राक्षस हेले केशिन्यां विश्रभस्रुत विश्रभा सुत केशिन्यां जन्म हेले रावण कुंभकर्ण समस्त लोक को बहुत पीड़ा दे बहुत दुख दे रावण अन्य को रोदन करे अन्य को कंदेवा काम रावण तथापि भगवान पुणी राघव हेले राम हेले कहीं रामचंद्र हेले ना उद्धार कर प्रथम उद्धार कर हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष को से शुकर आ सिंह रूप द्वारा हत्या कले तथापि राघव भूत्वा नेहनाद छाप मुक्त तथापि से जेहेतु से निज लोक पार्षद उद्धार करिया निमित्त पुणे राघव ही आसिले माने रघुवंश आसिले रामचंद्र आसिले राम बीर्ज सुश्रश्यत मार्कंडेय मुखात् प्रभु हे युधिष्ठ तुम्हें वर्तमान चिंता कर ना तुम तो वनवास हम से वनवास ते मार्कंड ऋषि रामायण शुण रामायण जिते द्रौपदी को आसिक जयद्रथ बलात्कार करने को चाहला बहुत दंड देला से समय दिन कांदुं जमी रामचंद्र कांदुले सीता विरह द्रौपदी गोटाए दिन रहीगले बाहर गोटे दिन मैंने जयद्रथ नहीं गला ना घर को नहीं जाए मैंने घर तक नहीं जाता अपहरण किडनाप पड़ा तेनाली से खोजी खोजी मैंने पाइले गोटे दिन बाहर तेल रही है से समय विरह द्रौपदी विरह युधिष्ठिर कांदुं जे कि राजकन्या थिला मत कणली पुंटा को बाजी लगे देली जुआरे बाजी लगे देली रामचंद्र जेंति बिलाप करछन से समय कांदुछन मार्कंड ऋषि तां कहले राम के विषय तुम्हें कौन दुख मार्कंड ऋषि से पचारे कहले आम कि कर्म करथुले एते दुख पाउछ कि तुम्हें कौन दुख पाउछ रामचंद्र तां स्त्री 14 वर्ष बाहर रहे से कहते मार्कंड राम विषय से कहते राम बीर्जंग श्रोष्य सीत मार्कंडेय मुखात् प्रभु ये युधिष्ठिर तुम तो बर अरण्यवास मैंने सी राजस्व यज्ञ अच्छा अरण्यवास आगे हम से कथा कहते तुम्हें अरण्यवास कर समय मार्कंड ऋषि रामायण शुण सी तुमको कहे से कथा मुझे ताव क्षेत्रियो जात मातृस्वात्मजौतव अधुना साप मुक्त कृष्णचक्रात अहं तथसौ कहतापर से द्वापर युगरे तुमर हे युधिष्ठिर तुमर माँ भौणी पुत्र ही जन्म होती ये होंगे से विष्णु पार्षद दे जय विजय यही कथ शुणी सारापर एवं वर्तमान से कहले वर्तमान से जेहेतु विष्णु ताक चक्र हत्या कले समस्त पाप ध्वंस होती से नीत पुनर हरेरे पार्षद जगमतु विष्णु पार्षद एवं शुणी पार्षद हो गले चलीगले से एति कही सारापर युधिष्ठिर पुणी प्रश्न पचारे एवं आसला जे कि प्रहलाद चरित्र ये प्रश्न कौ प्रश्न ना जिते से कहीदे ये सब प्रश्न ये जन्म से जन्म से यह प्रहलाद कथा आसला जे कि जे प्रहलाद तंग सर्वभूत भूतात्मा प्रशांत समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्ट नाशक्न हंत मुद्यम से प्रहलाद को जदि से भगवान अनन्य भक्त थे भगवान द्वारा भगवान तेजसा द्वारा से तेजियान थे भगवान का स्पर्श पाते तथापि बहुत प्रचेषा कर हत्या करने चेष्टा कले हिरण्यकश्यप यही समय युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीत् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् जेन प्रह्लादस्याच्युतात्मना ये दुईटी प्रश्न रु संपूर्ण आसब प्रहलाद चरित्र हिरण्यकशिपु चरित्र एवं नृसिंह चरित्र आसब कहले विद्वेषे विद्वेषो दैते पुत्रे दैते कहले अति प्रिय हिरण्यकशिपु प्रहलाद को केते स्नेह करते आगु से कहे
कोळेरे बसले कांदी पकाउथले एते स्नेह आसु चारटा पुत्र थले तांगर सल्लाद अनुलाद अल्लाद प्रल्लाद तो प्रल्लाद सबुट कनिष्ठ थिले जे छुआटा कोळेरे बसउथले से कांदी पकाउथले एते स्नेह आसुथला किंतु केवल विष्णु को जेहेतु से आराधना करूला विष्णु देश हेतु प्रल्लाद को देश कले हिरण्यकश्यप कले दैत्य पुत्र दैत्य मान अति प्रिय विदेश दैत्य पुत्र कथमासित महात्मनि साधारण पुओ न थिले साधारण पुत्र न महात्मन से महात्मा थिले ब्रूहिमे भगवत जेन कौन पाए विदेश कले युधिष्ठिर पचारछन्ते नारद नारद मुनि को ब्रूहिमे भगवत जेन प्रल्लाद से अच्युत आत्मा प्रल्लाद असुर कोले जन्म है कि भगवान ठारे निरवच्छिन्न निरंतर भक्ति केमिति आसला प्रथम आसला कहीं प्रिय पुत्र को हिरण्यकश्यप दंड दे द्वितीय प्रश्न कौन प्रल्लाद असुर कूल जन्म होकर असुर स्वभाव होकर भगवान प्रति निरंतर मति केमिति आसला ए दुईटे प्रश्न रु से आरंभ कले कहे महात्मनि पुत्र महात्मा पुत्र साधारण पुत्र साधारण पुत्र जन मारा कि दंड दे अलग कथा महात्मा आ समदर्शन तर कौन भेदभाव दर्शन नहीं असुर सुर असुर भर भेदभाव ना समस्त को सम्मान प्रहलाद गुण आगू कहे संपूर्ण महाभागवत प्रभुपा से जो लिखुच प्रहलाद को प्रहलाद इज द बेस्ट डिवोटी पांडव माने बेटर देन बेस्ट प्रहलाद इज द बेस्ट एमित कि प्रतिकूल परिस्थिति भक्ति करें प्रहलाद गुण तो वर्णना करते कि नारद कहे आश्चर्य एमितिया गुण सब दैत्य कूले जन्म होकर अनन्य भक्ति भक्ति केमती कले आम ब्राह्मण कूले जन्म होचे आम गीता भागवत जाचे जगन्नाथ आम सब जाचे तथा भक्ति हो पारना से लोक संपूर्ण प्रहलाद संपूर्ण वयस्क सहित संपूर्ण परिवेश रोते कौ परेश असुर मानक परेश रोते ए प्रकार प्रतिकूल परेश प्रकार भक्ति तन्मयता केमती आसला प्रहलाद से अच्युत आत्मना भगवत आत्मना विष्णु आत्मा विष्णु कथा समर्पित ये भावटा केमती आसला यही दुईट प्रश्न पर आग को दस टी अध्याय संपूर्ण निर्भर कर द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय शेष है प्रथम अध्याय जाणीगल विषय वस्तु यूटू आरंभ है हिरण्यकश्यपुर उपद्रव आरंभ है द्वितीय अध्याय श्री नारद उवाच भारहात्यरेव विनिहते हरिणा क्रोड़ मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन परियतप्य दृशाशुच नारद कहिले भ्रात्यरेव विनिहते हिरण्याक्षर बध हो जाइए हरिणा क्रोड़ मूर्तिना से कौन भगवद्वेष तद्वेष कारण प्रहलाद को द्वेष कर किसी कारण ना अरे अति प्रिय पुत्र निज पुओ पुणी महात्मनि धीरस्थिर तर गुण मनगर कहार द्वेष कहते क्या समस्त सामान दृष्टि देखुं पिता को एत दंड दे प्रहलाद कि प्रहलाद को दंड दे कि हिरण्यकश्यप तथा तो जिते बड़े बापा आगे ठिया हो हाथ जोड़ी ठिया होती आ सम्मान कर कथबार्ता करमी कहीं करें कह कौन पर हिरण्यकश्यप ए प्रकार सुंदर पुत्र को दंड दौले कह भगवत द्वेष हे तद्देश हे कारण जेहेतु हिरण्यकश्यप विष्णु को द्वेष करुले से विष्णु को कहीं पूजा करें डाकुची से प्रहलाद को दंड दौले प्रहलाद दोष किसी ना केवल गोटे दोष हूँ विष्णु भक्त कहले भ्रात्यरेव विनिहते हरिणा क्रोड़ मूर्तिना क्रोड़ मूर्तिना कहले बराहारूप द्वारा तंकर भाई को हत्या कले हिरण्यक्ष को हत्या कले भगवान हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्य दृशासुचा हिरण्यकशिपु प्रचुर अनुताप आसुला क्रोध आसुला आउ शोक भी आसुला मो भाई की मारिदेले मोर गोटे भाई थी आ हिरण्यकशिपु जेहेतु से अनुज थिला हिरण्यकश्यपुर मुखर जो आदेश बाहर था हिरण्यकश्यप से आदेश पालन करूला हिरण्यकश्यप शब्द अर्थ जान हिरण्य माने सुना कश्यप माने बेड सॉफ्ट बेड जो मैंने कह भोग करें तो हिरण्यकश्यप कह जाए खाली टंका दरकार सुना मान टा हिरण्य मान सुना कश्यप मान सॉफ्ट बेड भल गदी दरकार जो मैंने कह भोग करें तो हिरण्यकश्यप कह जाए ये कहते ताले हिरण्यकश्यप कौन कले ना गोटे प्रचुर क्रोध आसु विष्णु क्रोध विष्णु राग हिरण्यकश्यप गोटे बहुत बड़ा सभा डकैले मीटिंग डकैले जिते असुर मान थे समस्त डकैले दानव असुर दैत्य समस्त डकैले डकैक ये आहा चेदं रुषापूर्ण संदष्ट दशन अच्छद
कोपज्वलाद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरक्षन् धूम्रमम्बरम्। आहचेदं रुषापूर्ण अत्यंत अत्यधिक क्रोधित होती भाई की मारिदे गोटे बेली भाई मो कथा मानुला मोर अनुगत थिला अति प्रिय भाई दैत रुढ़ाता मत सेणु क्रोध कर गोटे बहुत बड़ा मीटिंग डकैला मान गोटे सभा डकैला समस्त डाक पूर्ण संदष्ट दर्शन सद मान जीभ कामुड़ी मैंने कामुड़ के ओठ कामुड़ के चित्कार कर जिते मैंने अच्छा को मैंने तार असुर मैंने सब अच्छा से मैं सब कहे कोप जलाद्याम चक्षुर चक्षुर्व्याम निरीक्षण धूम्र मामरा ये क्रोध आसे आखिर धूआ बाहर तार आकाश को चाहिए कैसे जानते विष्णु कौटी अच्छे ऊपर अच्छा आकाश को चाहिए असुर स्वभाव मान से स्वभाव से मानने अत्यंत क्रोध आ क्रोधता आसताप आस भाई दुख भी आसूच भाईर प्रतिशोध नवा निमित्त आकाश को चाहिए चित्कार करुचे समस्त डाक बसला से कहते कराल दृष्टिया दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुख सुलमुद्यम्य सदसी दानवानिदमब्रवीत कहले कराल दंष्ट्र दृष्टिया दात कड़मड़ कर चित्कार कर दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुख ताकि चाहिए ये क्रोध कर हिरण्य कश्यप साइजा जान न तुम्हें आगु से कह बहुत बड़ा जो आम जो ना कि वृत्यास्त्र जो कहून पखापाखि साइज सब ये छोटिया छोटिया लोक नुहन से बड़ साइज तो कहीं जन्म है तो बड़े कहीं असुर गोटा असुरटा छोट ही जन्म हूँ जो द्वितीय कश्यप सहित संपर्क रखिले जन्म है हिरण्य कश्यप हिरण्य कश्यप हिरण्य कहीं छोट छुआ ही ना असुर मैंने जन्म है एक बड़ ही जन्म हूँ देवता मैंने छोट ही जन्म हूँ तेणु से बड़े साइज से बड़े बहुत बड़ आकार हिरण्य कश्यप बड़ बड़ दात देखिकी चित्कार करके भ्रुकुटी मैंने मुख को सेमती सुलमुद्यम्य सदस्य दानवान इदमा ब्रवीत समस्त सभा को डकैला सभा को डक से कहला आरंभ कला सुलमुद्यम सुलम विराट त्रिशूल धरला आकाश को उठे कि त्रिशूल धरिकी चित्कार कर आरंभ कला कौ मान को दानव दैत्य असुर मान को संख्या प्रचुर संख्या बहुत संख्यक असुर मान को डक भो भो दानव दैत्यां द्विमूर्धंस्त्यक्षसंबर सतवाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वड़ वृत्रास्त्र समय असुरटा भी थे कहने विप्रचिते नमुचे पुलोमन मया चंबर ये शोक शोक सब आसला से मैंने से यही जो असुर ये अच्छा समुद्र मंथन से असुर थे विप्रचित नमुचे संबर ओलमन पुलमन एम सब थे एम हिरण्य कश्यप समय थे आप कौन एका बड़े से केत वर्ष रोचा कि ना हिरण्य असुर मानक मृत्यु हुए बुझे ये जाना दरकार असुर मानक बयस ना से वृत्रासुर समय वृत्रासुर कहना हे विप्रचित पुलमन मया नंबर छंबर सब ना सब से अच्छे ये भी अच्छे असुर मान कहीं मृत्यु हुए ना से समय गणना ना पंचम स्कंद भागवत पढ़वे असुर मान तले रुहति असुर लोक अच्छे ऊपर देवता लोक से तपस्या कर देवलोक आक्रमण करते जाकि जेहेतु नेदर रिजन जहाँ कहते भूल लोक पर तल अतल वितल तल तल रसातल महितल से सूर्य नहांती से टाइम गणना ना समय गणना ना समय गणना सब पूर्व अच्छी देवता मानकर बयस दिखाई मनुष्य मानकर बयस अच्छी कहने शहे वर्ष केत वर्ष किए बचुच्च असुर माना बयस किसी ना एम केत मरवे ना ना एम उपद्रव करेंगे विष्णु मारे विष्णु को चक्र आसी काटे अति उपद्रव करते बयस गणना ना असुर जन्म बहुत भोग कर सुविधा अच्छी एपरिक इंद्र जी ऐश्वर्य ऐश्वर्य ना सुतल लोक बलि महाराज जो रोचान असुर मान मय दानव रोचान से स्वर्ग ठार्ई ऐश्वर्य तले रही तेनाली समुद्र मंथन समय थे जिते बड़े देखिए असुर मान ये नाश नामुचे पुलमन समर विप्रचित नाम भी कहे सतवाह हयग्रीव नामुचे पाक इल्लोल एम सब असुर ना सब पाक इल्लोल एम सब ना दानव दानव कहीं कह जो कश्यप
दीति जन थिले स्त्री थिले दनु मध्ये ओटे स्त्री थिले दनु को ठारु जो छुआ जन्म हले दानव कुआ हला दीति ठारु जो जन्म हले दैत्य को हला ताको दीति ठारु दैत्य दानव विप्रचित्ते मम वचः पुलमन सकुना दयः सुन्नतानन्तरं सर्वे क्रियताम् आसुमाचिरं समस्तंकु डकेछि बहुत बड़ सभा हिरण्यकप कशि मानने शूलक धरी त्रिशूलक धरी चित्कार करी बहुत भयंकर भाव रागिछि समस्त डकले भो भो दानव दैत्या दिमूर्ध त्रिक्ष संभर सतबाह ग्रीव नमुचे पाकल्लोले असुरंक ना सबु विप्रचित्ते से मध्य असुर मम बच्च पुलमन शकुनादय मो कथा सुन समस्ते माने हिरण्यकशिपु कहुछि सुनंतान अंतरंग सर्वे क्रियमास क्रियताम आसुनामाचिरम शीघ्र जाइकि मु जो आदेश दौछ से आदेश को पालन कर माँ आसो माँ चिरम डेरी करना सांगे सांगे कर आरंभ कर से विष्णु का विरोध में कह आरंभ कला मान तुम कैंपेनिंग कला तुम कहला सब बुझेला सब आज आम ये अवस्था है मो भाई को मारी विष्णु से आम शत्रु तेणु आम कि भाव विष्णु को हत्या करवा मुझे योजना करुच तुम मैंने चिंता करना तुम मान को जहाँ निर्देश दौ से पालन कर सपत्नीर्घातित क्षुद्रेर भ्राता मे दैत श्रोद पार्श्निग्राहेन हरिणा समेना पिपधावने कहले सपत्नीर्घातित क्षुद्रे ये जो देवता मान को छोट लोक मान अति नीच लोक देवता मान गाड़ी दे कह क्षुद्रे सपत्ने सपत्ने कहले शत्रु देवता मान कहते एमानक द्वारा मो भाई आज मरी मो भाई केमती ना मैं दयित सुहृद भ्राता मे दयित मोर अति प्रिय मो सुहृद मो कथा माने मो निजर अति प्रिय भाई को मारी कहीं मारी कि ना पार्श्नी ग्राहण विष्णु हरिणा हरि लाच देकर पक्ष को लेकर मत हत्या मो भाई की हत्या कर पार्श्नी ग्राहण मैंने लाच देकर पूजा पाठ करज पाख नहीं जावा आ समेना पिपधा मैंने पिपधा ने मैंने ये लाच देते उपधावन देकर पूजा करवा प्रार्थना करवा कर किसी उपहार देवा एमती कही विष्णु को पाख को आज पाख नहीं निज पट को नहीं कर कौन कर मो भाई को हत्या कर देवता मैंने असुर मैंने पचारे आज आम लाच दे हाँ देवता मैंने पचारे कह दवा दरकार नहीं कि शक्तिशाली थी तो कहले वयमअपी उपधावन कहे वयमअपी उपधावन अपी चे जदि से लाच नहीं देकर विष्णु को पक्ष को नहींगले तो आम देकर नहीं आस कमी करवा दरकार नहीं नई वयम जावत्मत निमित्त कर्मतिष्ठ कह तुम्हें चिंता करना मुकुटिया विष्णु को हत्या करी कही से तीन जन्म धरी विष्णु को पूरा विरोध कर अति विरोध कर डेड एंटी है कह तुम्हें चिंता करना मुझे हत्या करी तुमको जहाँ कौन चिंता कर अहंगेव हनिष्यामी विष्णु हनिष्यामी मुकुटिया विष्णु को एकुटिया हत्या करी तुम्हें चिंता करना कि असुर मैंने पचारे ननु हरि ही परमात्मा उच्यते हरिवा परमात्मा तंग कथंग हनिष्यसे परमात्मा कौन हत्या कर पारे तुम्हें विष्णु परमात्मा कमी हत्या कर परमात्मा नहांती विष्णु परमात्मा नहांती कहते तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर्माया बनौकश भजन्त भजमानस्य बालसेवा स्थिरात्मनः कहले विष्णु आ परमात्मा नुह तांकर बल नाहे लोक कहुनाथ विष्णु आते से माया सर धरते मरीगले सहला निराकार से विष्णु कृष्ण एमती कहुना ये असुर स्वभाव सब ये हिरण्यकश्यप स्वभाव कह तार बल ना परमात्मा से नुह कहीं त्यक्त तस्य त्यक्त स्वभाव से तार जो स्वभाव थिला से स्वभाव आना से परमात्मा नहाँ क्या स्वभाव त्याग कले किपर छाड़े कहे सर्वत्र सर्वत्र उदासीन स्वभाव स त्यक्त्वा कुतः तत् परमात्मा तम इति भाव अरे परमात्मा जी था समस्त सामान देवता हो असुर हो पशु हो पक्षी हो समस्त सामान से आ सामान नुहतं ना ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା କେମିତି ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କହିଲେ ତତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ତସ୍ୟ ତତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ତା ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ନାହିଁ ଘୃଣେରେ ମାୟା ବନ କଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭୟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ମାରିଲେ
ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ରୂପ ହିଁ ମାରିବେ, ଶୁକର ରୂପ ହିଁ ମାରିବେ, କେତେବେଳେ ମାଛ ମାଛ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କଇଁଚ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କେଉଁଠି ଆଉ ସେ ରୂପ ରହିଯାଉ କେଉଁଠି? ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କେମିତି ରହିଲା? ମାନେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରିକି ସବୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଆଉ ନାହିଁ, ତା ପରମାତ୍ମା ସେ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, ତକ୍ତ ସମା ଯେଉଁ ସମଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଣର ବନୌକଷ ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରିକି ସେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବରାହ ରୂପରେ, କାହାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ, କାହାକୁ ଶୁକ ରୂପରେ, କେମିତି କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଧା ବିଷ୍ଣୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତି କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ହେଇଗଲାଣି ପରା। କହିଲେ ଭଜନ୍ତ ଭନମ ଭଜମାନସ୍ୟ ବାଲସ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ବାଲସ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଆତ୍ମନା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତମ ପଟରେ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ପୂଜା କଲେ, ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କଲେ, ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଟରେ ହେଇଛି ସେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ନ ଖଟ, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ କର। ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କେତେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିରାକାର ଫିରାକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ ତ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେ ମରିଗଲେ ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରବଚନ ସେ ତାରାପୁର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଇଛି, ନିରାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ନରାକାର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ନରାକାର, ତାର ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳେଇଲେ, ସେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ମିଶିଗଲେ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପର ଫିଲୋସଫି ସବୁ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏସବୁ? ଏ ଫିଲୋସଫି ସବୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ରୂପ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଚାରୁନ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଶୂନ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏକଥା କହିଲେ ତଳେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଦେଲେ, ଲଡ଼ୁ ଦେଇଦେଲେ, ମିଠେଇ ଦେଇଦେଲେ, ପିଲାର ମତିଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଜନ୍ତ ଭଗବାନସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟସ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ମତି, ବାଲ୍ୟର ପିଲାର ଯେମିତି ଅସ୍ଥିର ମତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତିଗତି ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ନୁହଁ ଆଉ, ତା ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏବେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏହା ଭାବି ଦେଖି ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଦେଖ, ହଜାର ହଜାର ଅସୁର ଉଠାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଉଠାଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମତ୍ସୂଳ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀବସ୍ୟ ଭୂରିଣା ରୁଧିରେଣ ବା ଅସୃ ପ୍ରିୟତର ପୈସେ ଭ୍ରାତରଙ୍ଗେ ଗତବ୍ୟଥ। ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଦେଖ, ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳ ସେ ବିଷ୍ଣୁର ଛାତିକୁ ଚିରିକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିବେ, ରକ୍ତ ବାହାର କରି ମୋ ଭାଇ ଯେ ହିରଣ୍ୟକେଶ ରକ୍ତ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ତାହାକୁ ମୁଁ ତର୍ପଣ କରିବି ତାକୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାର ପାଇଁ ସେ ଅସୃପ୍ରିୟ, ଅସୃପ୍ରିୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ରକ୍ତ ଭଲ ଲାଗେ, ରକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରିୟ, ଅସୃପ୍ରିୟ ତାର ପାଇଁ ସେ ଭ୍ରାତରମ ମୋ ଭାଇକୁ ମେ ଗତବ୍ୟତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ କଲିଜାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମୋତେ। ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ତୁମେ ଯାଅ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ବୃଛ ସବୁ କାଟି ପକାଅ, ଯେଉଁଠି ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞଫଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାର, ଗାଈ ଗାଈକି ହତ୍ୟା କର, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଠାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯାହା କରୁଥିଲା ସେହି ଶାସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଏହା କହିବ। କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଉପଦ୍ରବ କରିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ କର, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖୁଛ, ବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ଯାହା ଦେଖୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କର, ଧ୍ୱଂସ କଲାବେଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ତାର ତା ଭାଇକି ତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ତା ଭାଇ ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା ଦିତି କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦେବ। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ଦେବ ଦିତି ବୁଝିଯିବେ, ଆଖିରୁ ଲୋ ପୋଛିଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ମାନେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ପ୍ରବଚନ ଗୀତାଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବ, ବୁଝିଯିବେ ସେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ତୁମେ ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଅ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଯେ କିଛି ତସ୍ମିନ୍ କୁଟେ ହିତେ ନଷ୍ଟେ। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ବିଟପା ଏବେ ଶୁଷ୍ୟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ଦେବକଷ, ଗଛ ମୂଳ କାଟିଦେଲେ ଡାଳ ଶୁଖିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ମୂଳରୁ ମାରିଲେ ଦେବା କ'ଣ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କରେ ଦେବ ସେଇ ଏଇଠୁ ଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ବିଟପା ଏବେ ଶୁଷ୍ୟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ଦେବକଷ, ବିଟପା ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୂଳଟା କାଟିଦେବ, ଦେବତାମାନେ ଡାଳପତ୍ର ପରି ମୂଳ କାଟିଦେଲେ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ
स्वतः सुखी तेवता मान गोड़े गोटी गोटी मारिया सहित युद्ध करा कि आवश्यक ना विष्णु हत्या कर दरकार से तपस्या कर आरंभ कला से देख ला तो आम पार्बुन तपस्या द्वारा शक्ति आसे हिरण्यकश्यप जानी कठोर तपस्या कला ब्रह्मा खुशी गले तपस्या ना आगे कम आलोचना करवा कथ विश्राम दूसरी जय श्रीमद भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय संकीर्तन जनक शिशुमन चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय स्वेद गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।